जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इन चुनाव में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में मात्र 6 सीटें मिल पाई। पार्टी को कश्मीर संभाग से 5 सीटें मिली हैं, जबकि जम्मू संभाग से कांग्रेस मात्र राजौरी की सीट ही अपने नाम कर पाई। कांग्रेस ने जम्मू संभाग में मिली करारी हार पर मंथन शुरू कर दिया, जिसके चलते कि पार्टी ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसमें कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है और ये समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करके बताएगी कि आखिर कहां पर चूक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ परामर्श कर विधानसभा चुनाव में जम्मू क्षेत्र में हार के कारणों का पता लगाने और पार्टी की मजबूती के उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय एक समिति, एक कमेटी का यहां पर गठन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सभी समीकरण सामने आएंगे, लेकिन अब इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। गौहर सर, बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा कि 32 सीटों पर लड़ने के बावजूद केवल 6 सीटें कांग्रेस की झोली में आई है, वो भी 5 कश्मीर डिवीजन से और मात्र 1 सीट जम्मू डिवीजन से, क्या कुछ लगता है? क्योंकि नेशनल पार्टी है, तमाम सालों से, कई दशकों से काम करती आ रही है, लेकिन फिर भी मात्र 6 सीटें यहाँ जम्मू कश्मीर में उनको हासिल हुई है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था जब नतीजे सामने आए, क्योंकि कांग्रेस ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक मेजर टर्न और इस बार होगा और टेबल टर्न होगा और जम्मू प्रोविंस के अंदर जो जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, आरएसपोरा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर वो कम बैक करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से 2008-2014 में उन्होंने करने की कोशिश की थी। लेकिन 2-3 बड़े मेजर फैक्टर्स रहे हैं और ये मेजर फैक्टर्स तब सामने आए जब उमर अब्दुल्ला की औध सेरेमनी हुई, उनके जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर पहुंचे, राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, प्रियंका वाड्रा गांधी श्रीनगर पहुंचे, और जब वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया तो कांग्रेस के कुछ सर्कल्स ने राहुल गांधी को बताया कि ये वो लड़का है जिसका बाप भी कांग्रेस के साथ था, लेकिन अगर इसको टिकट दिया होता तो शायद आज ये झोली और ये पासा जो है वो पलट चुका होता, ये कांग्रेस की झोली में होता। ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि कई जगहों पर इसी तरीके का झोल हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे रही है। जिसके फौरन बाद कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो जब श्रीनगर में बैठे चाय पर तो यही बात हुई कि एक डेप्थ इंक्वायरी की जाए, पता लगाया जाए कि क्या मैंडेट देने में कोई गलती हुई है या मैंडेट देने के बाद जो पार्टी काडर के बीच तनाव है वो खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस को इतनी बुरी हार जम्मू प्रोविंस के अंदर देखने को मिली एज कंपेयर टू कश्मीर। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब हाई पावर कमेटी बनाई है, 7 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी है जिसकी सरबराही जो प्रवक्ता है रविंदर रैना वो करेंगे और उन्हें यह काम सौंपा गया है और 30 दिन का वक्त दिया गया है कि वो हर जोन के अंदर जिस तरीके से जोन वाइज उन्होंने मैंडेट्स बांटे थे यही जोन वाइज हर एक चीज को वो एसेस करेंगे, वोट परसेंटेज को खंगालेंगे, लोकसभा के रिजल्ट्स को खंगालेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या मैंडेट देने में गलती हुई या मैंडेट देने के बाद जो होमवर्क करना था कांग्रेस पार्टी को वो नहीं हुआ है। और ये माना जा रहा कि एक डैमेज कंट्रोल भी है और जो आवाजें उठ रही थी कि कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल उसको भी रोकने की एक कोशिश है। इशफाक, ये भी बताइएगा, क्या एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में, या फिर अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें, क्योंकि उन्हीं के अलायंस पार्टनर ये कहते नजर आए कि जम्मू कश्मीर में उस लेवल की इलेक्शन कैंपेन कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं की जा रही, वहीं पर बूथ लेवल पर और जो ग्राउंड लेवल पर पार्टी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कमेटी किस तरीके से इन चीजों पर मंथन करेगी? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, जिस तरीके का बूथ लेवल मैनेजमेंट चाहिए था, मोहल्ला लेवल मैनेजमेंट चाहिए था, वो कांग्रेस के अंदर दिखा नहीं, जिसकी वजह से नतीजे कुछ अलग आए। फिर साइमल्टेनियसली जिस रिग्रेस कैंपेन की बात हो रही थी कि बीजेपी को अगर रोकना है तो हमने हर घर तक पहुंचना है और हर नौजवान तक पहुंचना है, हर महिला और बुजुर्ग तक पहुंचना है और उसे बताना है कि अब की बार बदलाव के लिए वोट क्यों, वो कहीं दिखा नहीं। नो डाउट राहुल गांधी को आपने आते हुए देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को आते हुए देखा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आए, राहुल गांधी आए, उससे ज्यादा होता है कि जो कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर है वो कहीं उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं था और जो लोग चुनाव में भी थे शायद उनकी भी ज्यादा उतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी ग्राउंड के अंदर, जिसकी वजह से रिजेक्शन हर तरफ से हुई कांग्रेस को। और अब वही चीजें देखी जा रही है कि क्या लीडरशिप को बदलाने की जरूरत है, क्या नए चेहरों को सामने रखने की जरूरत है और जो युवा चेहरों की बात हो रही है वो किस तरीके से अकोमोडेट किए जाए ताकि सीनियर भी रहे और युवाओं को आगे मौका मिले, वो चुनाव के अंदर जाए और वो अपने तरीके से जो मुद्दे नौजवानों के हैं उन पर बात करें, उनको लेकर ग्रिल करें गवर्नमेंट को। अब तो बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी यह भी है कि वो अलायंस के अंदर तो है लेकिन अलायंस ने अभी कोई बड़े
ऐसे फैसले तो किए नहीं जिसको लेकर वो मैदान में आती, डंडूरा पीटती, देखिए हाय 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 तोबा करके लोगों की थोड़ी सी सिंपैथी ले पाती। अब वो दरवाजे भी बंद हुए, यही वजह है कि विद इन द कांग्रेस एक सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अब अगर हम फ्यूचर देखेंगे कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव हुए थे, दोनों ही जगह उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ लगता है फ्यूचर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, क्योंकि नेशनल लेवल की बात करेंगे सेकंड बड़ी पार्टी ये गिनी जा रही है, लेकिन फिर भी हार का सामना हर स्टेट में करना पड़ रहा है इस पार्टी को। देखिए कांग्रेस लीडरशिप की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैसले दिल्ली से आते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मैनेज कर पाती है हर स्टेट को, हर स्टेट के कार्यकर्ता को अंदर, और फिर पूरी ताकत के साथ हर स्टेट के अंदर जाकर वो चुनाव लड़ती है, वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। जरूर कांग्रेस वॉर रूम बनाती है, इलेक्शन रूम बनाती है, लेकिन इलेक्शन रूम और वॉर रूम के अंदर होता क्या है, शायद उसका टेकअप करने वाला कोई नहीं है, जो इमीडिएट इशूज और मैटर्स डिस्कस करने हैं, रिजॉल्व करने हैं, उनको टेकअप करने वाला कोई नहीं है। वही मैंने कहा कि जो लीडरशिप क्राइसिस थोड़ी सी है वो आपको हर स्टेट के नजर आएगी, नो डाउट। ऊपर वाले चरण पर आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे, आपको सचिन पायलट दिखेंगे, राहुल गांधी दिखेंगे, प्रियंका वाड्रा गांधी आप दिखेगी, या खुद सोनिया गांधी भी कई जगह पर मैदान में आपको नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बैक टू बैक जनसभाएं कर रहे हैं, होम मिनिस्टर बैक टू बैक जनसभाएं कर रहे हैं, 18 से 19 चीफ मिनिस्टर यहां जम्मू कश्मीर के छोटे से चुनाव के अंदर भी झोंके गए, फिर हजारों कार्यकर्ता दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश से लाए गए, यहां पर उन्होंने कैनवेसिंग की मंदिरों के बाहर, दूसरी जगहों पर, वो चीज कांग्रेस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस को हर जगह से सेटबैक मिल रहा है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने देखा कि अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ चुके हैं उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता, क्यों, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस तरीके से अपने पैर पसारती नजर आ सकती है जम्मू कश्मीर में, एक गैप जो जनता और कांग्रेस पार्टी के बीच में है उसको किस तरीके से फिलअप करने का काम कर सकती है? देखिए अभी एक और बड़ा इम्तिहान होगा, लेट इट बी ऑन 2025, अगर दिसंबर जनवरी तक वो नहीं है, लेकिन आप मिड ऑफ द फेब से देखेंगे एक और बड़ा इम्तिहान सभी पार्टीज के लिए शुरू होगा, जब लोकल अर्बन बॉडीज के लिए, पंचायतों के लिए चुनाव होगा। अगर वो नॉन पार्टी बेसिस पर चुनाव होगा जिस तरीके से अभी तक हम खबर सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है, वहां पर हर एक के ग्रॉस रूट का पता लगेगा कि किस पार्टी का किस इलाके में, किस कस्बे के अंदर कितना ग्रॉस रूट है, जितना वो जीत कराएगा उतनी उसकी पार्टी मजबूत ऑटोमेटिकली ऊपर होगी। सो आने वाला जो दिन है उसको देखते हुए कांग्रेस भी गियर अप है, और नो डाउट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू प्रोविंस के अंदर अपने तरीके से गेम प्लान सेट करने की कोशिश की है। ठीक है अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गौहर तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे थे।